दोस्तों, लोग गरीब क्यों हो जाते हैं बीमारी से? तो आइए हम इस वीडियो को पूरा देखें बेघर भगाए, क्योंकि बीमारी में सब पैसा लग जाता है और हम हाथ मल करके रह जाते हैं। तो चलिए इस कमाल के वीडियो को हम अभी और इसी वक्त शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक, लकवा रोग से बचने के लिए सब्जी में कौन सा पांच सामान जरूर डालकर खाना चाहिए? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इसका सही आंसर है लहसुन, प्याज, जीरा, गोलमरीच और हल्दी तेल अवश्य डालना चाहिए। जो व्यक्ति अपने सब्जी में नहीं डालते हैं, उन्हीं के परिवार के लोगों को लकवा और फालिस की बीमारी लग जाती है। दोस्तों, सवाल नंबर दो, नीम की कोमल पत्ती को चबाने से कौन रोग की नामो निशान तक मिट जाती है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है पेट का सभी बीमारी का नामो निशान तक मिट जाता है। अगर आप लोगों के पेट में कीड़े भी हैं तो वो भी उसकी अंत हो जाती है नीम की पत्ती कोमल जो है वो चबाने से। अगर आपको कड़वी लगती है तो आपको आलू उबाल देना है और उसमें कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल देना है। पहले नीम की पत्ती डाल देना है, उसके बाद में आलू डाल करके भून लें, तब खाएं, खूब स्वादिष्ट भी लगेगा और कीड़ा पेट के भी मर जाएगा। सवाल नंबर तीन, पेशाब करते समय फालिस क्यों अंग में मार देता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा बीमारी से बचने के लिए। दोस्तों, इसका सही आंसर है जो लोग रोक करके पेशाब रखते हैं या लीटिंग रोक करके रखते हैं, उन्हीं आदमी को जो है वो फालस और लकवा की बीमारी हो जाती है। और कभी पेशाब करके उठना है तो तुरंत ना उठें, थोड़ा लेट से ही उठें। सवाल नंबर चार, मोटा आदमी को कौन कौन सा चीज नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इसका सही आंसर है मोटापे वाले आदमी को दूध नहीं खाना चाहिए, मूंग की दाल नहीं खाना चाहिए और दूध में जो है वो काजू, किशमिश, छोहरा, बादाम डालकर नहीं खाना चाहिए। मोटापा बढ़ जाता है तो तकलीफ जो है वो बुढ़ापे में बढ़ जाती है। दोस्तों, सवाल नंबर पाँच, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक आंखों की रोशनी बनाए रखने के लिए खाना में हर रोज क्या खाना चाहिए? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी आप लोगों के पास तक हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, इसका सही आंसर है आंखों की रोशनी बनाए रखने के लिए बुढ़ापे तक बचपन से लेकर के हरा मिर्च आधा टुकड़ा जरूर खाना चाहिए खाना में, क्योंकि हरा मिर्च में विटामिन ए जो है वो भरपूर मात्रा में मिलती है। गैस, एसिडिटी, बदहजमी, खट्टा ढेकार, मीठा ढेकार ये बिल्कुल नहीं आएगी दोस्तों, और खाना जो है वो आसानी से पच जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास में जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, कि उनके पास में भी जानकारी मिलती रहे और वो बीमारी से बच जाए। थैंक यू दोस्तों।